नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार जैन आज आपके लिए संविदा शाला शिक्षक पेपर 2011 वर्ग एक संस्कृत का पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको डायरेक्ट मिल सकें। दोस्तों, देखते हैं संविदा शाला शिक्षक संस्कृत का वर्ग एक का पेपर। वेदत्रयी पदस्य अभिप्रायोस्ति, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यह तीन वेद वेदत्रयी में आते हैं, अथर्ववेद वेदत्रयी में नहीं आता, इसलिए सी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कठोपनिषदः संबंधोस्ति, कठोपनिषद का संबंध है किससे, यजुर्वेद से, तो यजुर्वेद सही आंसर है। वेदांगानां संख्या अस्ति, वेदांगों की संख्या है 60। आगे देखते हैं पंचलक्षणम अस्ति, पुराणों के पाँच लक्षण कहे गए हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। तर्क संग्रहस्य लेखकोस्ति, तर्क संग्रह के लेखक हैं अन्नम भट्ट। आगे देखते हैं तर्क संग्रहानुसारम द्रव्याणाम संख्या अस्ति, तो तर्क संग्रह के अनुसार द्रव्यों की 9 संख्या है, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, ये 9 द्रव्य कहे गए हैं। तर्क संग्रहानुसारम ज्ञानाधिकरणम अस्ति, तर्क संग्रह के अनुसार ज्ञानाधिकरण क्या है, तो ज्ञानाधिकरणम आत्मा, तो आत्मा ज्ञानाधिकरण है। तंतवः पटस्य किमस्ति, निमित्त कारणम, असमवाय कारणम, समवाय कारणम, सहकारी कारणम, तो समवाय कारण यहाँ पर सही है। यत संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवाय कारणम, यथा तंतवः पटस्य स्वगत रूपादे, इस प्रकार ये पंक्ति तर्क संग्रह में लिखी हुई है, समवाय कारण सही है। आगे देखते हैं वाल्मीकि रामायणे कति काण्डाः सन्ति, वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं, वाल्मीकि रामायणे सप्त काण्डाः सन्ति, 7 कांड कहे गए हैं। अशुद्ध युग्मम चुनुत, अशुद्ध युग्म को चुनिए, तो यहाँ पर प्रतिमा नाटक रामायण पर आधारित है, उत्तर रामचरित रामायण पर आधारित है, अनर्घ राघव रामायण पर आधारित है, अभिज्ञान शाकुंतल रामायण पर आधारित नहीं है, इसलिए रामायणम अभिज्ञान शाकुंतल अशुद्ध युग्म हो जाएगा। आगे देखते हैं महाभारतस्य प्रथमम नाम आसीत, महाभारत का प्रथम नाम जय था, द्वितीय नाम भारत, तृतीय नाम महाभारत। आगे देखते हैं भगवद्गीतायाः उपदेशः महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि उपलभ्यते, भगवद्गीता का उपदेश महाभारत के कौन से पर्व में प्राप्त होता है, तो भीष्म पर्व में कहा गया है। मनुस्मृति कति अध्याय सन्ति, मनुस्मृतौ कति अध्यायाः सन्ति, तो इस मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, 12 अध्याय। भासस्य उपलब्ध नाटकानां संख्या अस्ति, भास के उपलब्ध नाटकों की संख्या है 13, 13। कालिदास कृत नाटकानि सन्ति, कालिदास के द्वारा रचित नाटक हैं 3, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर वसीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अशुद्ध युग्मम चिनुत, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, उत्तर रामचरितम भवभूति, चारुदत्तम शूद्रक, स्वप्नवासव दत्तम भासः। यहाँ पर चारुदत्त शूद्रक के द्वारा नहीं लिखा गया है, इसलिए अशुद्ध युग्म चारुदत्त शूद्रक ही। महावीर चरित किसकी कृति है, तो यह भवभूति की कृति है। करुण रसस्य वैशिष्ट्यम कुत्र उपलभ्यते, करुण रस का वैशिष्ट्य कहाँ प्राप्त होता है, तो उत्तर रामचरित में करुण रस दिखाई देता है। दूत वाक्यम रचना अस्ति, दूत वाक्य रचना किसकी है, भास की है या रचना। मृच्छकटिक नाटकस्य नायिका अस्ति, तो इसकी नायिका है बसंत सेना, नायक चारुदत्त हैं। आगे देखते हैं रघुवंश महाकाव्य सर्गाः सन्ति, रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं, 21 सही हो जाएगा। निर्दिष्टेषु शुद्धम युग्मम चुनु, शुद्ध युग्म क्या है, कुमार संभव रघुवंश दोनों महाकाव्य हैं, रघुवंश अभिज्ञान शाकुंतल एक महाकाव्य एक नाटक है, इस प्रकार अलग अलग हैं तीनों, लेकिन कुमार संभव रघुवंश दोनों महाकाव्य हैं और वो भी कालिदास के, तो यह सही युग्म है। सौंदरानंद महाकाव्यस्य कर्ता कवि अस्ति, सौंदरानंद महाकाव्य के कर्ता कवि अश्वघोष हैं। सहसा विदधीत ना क्रिया मवविकः परमा पदाम पदम इति वचनम कस्य महाकविरस्ति, यह भारवी की कृति है, कृतार्जुनीय की पंक्ति है। भट्टी काव्ये वर्णितः कथा अस्ति, भट्टी काव्य में वर्णित कथा है, राम की कथा वर्णित है, इसका अपर नाम रावण वध महाकाव्य है, यह भट्टी कवि के द्वारा रचित है, इसलिए इसका नाम भट्टी काव्य पड़ गया, एकमात्र काव्य है यह भट्टी का। तांबूल द्वयमासनम चलवते यह कान्न कुब्जेश्वरात् अस्मिन् कथने या इति पदेन कस्य महाकवे निर्देशा, तो यह इससे यह पद से श्रीहर्ष निर्देशित होते हैं, क्योंकि यह कन्नौज नरेश राजा जयचंद के आश्रित कवि थे।
शुद्धम वर्गम चिणुत, शुद्ध वर्ग को चुनिए, तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, कृतार्जुनीय शिशुपालवद नैषत, ए तीनों बृहत्त्रयी में आते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक है कृष्ण की से कृतार्जुनीय, सा से शिशुपालवद, ना से नैषद। आगे देखते हैं चौर पंचाशिका इति गीति काव्यस्य कर्ता कवि अस्ति, चौर पंचाशिका के लेखक बिलहण हैं, कवि जयदेवस्य प्रसिद्ध रचना अस्ति, कवि जयदेव की प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंदम, भामिनी विलास किसकी रचना है, तो यह पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। आगे देखते हैं कवि नाम अगलत दर्पो नूनम वासव दत्तया इति कथनम अस्ति, यह कथन है, यह कथन बाणभट्ट ने कहा है, किसके लिए कहा है, सुबंधु के लिए कहा है। आगे देखते हैं वासव दत्ता कथाया नायकोस्ति, वासव दत्ता कथा के नायक हैं कंदर्प केतु, वासव दत्ता सुबंधु की कृति है, दस कुमार चरितस्य लेखकोस्ति, दस कुमार चरित के लेखक दंडी हैं, प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रबंध विन्यास वैदग्ध निधिर निबंधम इति कथनम अस्ति, यह सुबंधु की कृति का कथन है, सुबंधु की एकमात्र कृति वासव दत्ता है। आगे देखते हैं दोस्तों शिवराज विजयस्य कर्ता कवि अस्ति, शिवराज विजय के कर्ता कौन है, अंबिका दत्त व्यास, नल चंपू केन कविनः प्रणीता, नल चंपू के रचयिता हैं त्रिविक्रम भट्ट। आगे देखते हैं शुद्ध युग्मम चुनुत जीवंधर चंपू हरिश्चंद्र, यह शुद्ध युग्म है, यह एक जैन कवि हैं, इन्होंने उत्तर पुराण आधारित जीवंधर मुनि की कथा जीवंधर चंपू में लिखी हुई है। आगे देखते हैं कथा सरित सागर लेखकोस्ति, कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं, इसमें 18 लंबक 124 तरंग और 21388 पद हैं। पंचतंत्रस्य लेखकोस्ति, पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, शुद्ध युग्म चुनिए, बृहत कथा गुणाढ्य शुद्ध युग्म है, बृहत कथा गुणाढ्य ने लिखी हुई है। स्वरस्य वैषम्येऽपि यत्र व्यंजन साम्यम तत्र अलंकारो भवति, अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य यत् नव पलास पलास बनम पुरः अत्र अलंकारोस्ति, यहाँ पर यमक अलंकार है, शब्द की आवृत्ति दो बार हो रही है और अर्थ भी अलग अलग निकल रहा है, पहले पलास का अर्थ है किसलय नए नए किसलय और दूसरे पलास का अर्थ है पलास बन। आगे देखते हैं सर्वस्वम हर सर्वस्य अत्र अलंकारोस्ति, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार में शब्द एक होता है, अर्थ कई निकलते हैं, तो यहाँ पर हर शब्द के अर्थ दो निकल रहे हैं, एक तो शिव और दूसरा हिरी धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप। आगे देखते हैं तव जगऊगह लक्षणम अस्ति, यह इंद्रवज्रा छंद का लक्षण है, स्यादिंद्र वज्रा यदि तव जगऊगह, इस प्रकार। आगे देखते हैं निर्दिष्टानी लक्षण चिन्हानी वीक्ष छंदो नाम चुनुत, ऊपर जो लघु गुरु दिए हुए हैं इनको समझ करके छंद का नाम बताइए, तो इधर जगण तगण जगण रगण दिया हुआ है और यह जगण तगण जगण रगण वंशस्थ छंद में होता है, वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीर तम जरऊ, जतौ तु वंशस्थ मुदीर तम जरऊ, तो यहाँ पर वंशस्थ छंद है। अरसि केशु कवित्व निवेदनम सिरसि मालिक 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 अत्र किम छंदा, यहाँ पर द्रुतविलंबित छंद है, यहाँ पर नगण भगण भगण रगण होने के कारण द्रुतविलंबित छंद है, द्रुतविलंबित छंद का लक्षण है द्रुतविलंबित माह नभौ भरौ। आगे देखते हैं अनुष्टुप छंदस एकस्मिन पादे अक्षराणी भवंती, अनुष्टुप छंद के एक पाद में कितने अक्षर होते हैं, तो 8 अक्षर होते हैं दोस्तों। वेद्यांतर स्पर्श शून्य इदम विशेषणम अस्ति, वेद्यांतर स्पर्श शून्य यह विशेषण है, तो यह विशेषण रस का है, रस की परिभाषा में यह साहित्य दर्पण में कहा गया है वेद्यांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मा स्वाद सहोदरा। वीर रसस स्थायी भावोस्ति, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। भ्रुविक्षेप कटाक्षादया कस्य रसस्य अनुभावा, तो भ्रुविक्षेप कटाक्षादि श्रृंगार रस के अनुभाव हैं। अशुद्ध युग में चुनिए बीवत्स जुगुप्सा सही है, श्रृंगार रति भी सही है, अद्भुत विस्मय भी सही है, करुण भयम करुण का स्थायी भाव भय नहीं होता है, करुण का स्थायी भाव शोक होता है, इसलिए यह गलत है। शिशो जन्मात पूर्वम कति संस्कारा भवंती,
शिशु के जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन। आगे देखते हैं, अश्वारोहण विधि भवती, केवल विवाह के समय में अश्वारोहण विधि होती है। समावर्तन संस्कार विधौ स्नातकानां प्रकारः भवन्ति, स्नातक 3 प्रकार के होते हैं समावर्तन संस्कार में, व्रत स्नातक, विद्या स्नातक, विद्याव्रत स्नातक। सीमांतोन्नयन, अत्र सीमंत पदस्य अर्थोस्ति, यहाँ पर सीमंत पद का अर्थ केशा है। आगे देखते हैं, कति कारकाणि भवन्ति, कारक 6 होते हैं, 60 सही हो जाएगा। गाम दोग्धि पया, अस्मिन् वाक्ये पया अस्ति, यहाँ पर पया कर्म है, गायों से दूध का दोहना, तो दूध को दोहना यह पया कर्म है। स्थाल्याम पचति, अस्मिन् वाक्ये स्थाली अस्ति, स्थाल्याम में सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती तो अधिकरण सही हो जाएगा। बिना इत्यनेन योगे विभक्तयो भवन्ति, बिना इसके योग में विभक्ति होती हैं, द्वितीया तृतीया पंचमी विभक्ति होती हैं। काव्यम यश से, अत्र यश से पदे विभक्ति अस्ति, यहाँ पर यश से पद में चतुर्थी विभक्ति है। आगे देखते हैं, कारकम नास्ति, संबंध कारक नहीं होता है, तो संबंध कारक नहीं है। आगे देखते हैं, पिता को नमस्कार अस्य संस्कृतानुवाद भविष्यति, पित्रे नमा, नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो पित्रे शब्द में चतुर्थी विभक्ति हुई। शुद्ध वाक्यम चुनुत, शुद्ध वाक्य को चुनिए। भूपति सिंहासनम अध्यास्ते, तो यहाँ पर सिंहासनम कर्म है, यहाँ पर द्वितीय होने के कारण यह सही है, क्योंकि अधि सिंह स्थासाम कर्म सूत्र से अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु से अध्यास्ते बनता है, इस प्रकार अध्यास्ते शब्द में कर्म संज्ञा हो जाती है अधि सिंह स्थासाम कर्म सूत्र से। तो भूपति सिंहासनम अध्यास्ते, हरि वैकुंठम अध्यास्ते, यह सही रूप है। सबके सो जाने पर वह पढ़ता है अस्य संस्कृतानुवाद भविष्यति, सर्वेषु शयानेषु सा पठति, सभी के सो जाने पर वह पढ़ता है, तो सोने का विशेषण है सभी, शयानेषु मतलब सोने सो जाने पर, सर्व सबके सो जाने पर, तो सबके विशेषण हो गया, तो विशेषण और विशिष्ट में एक ही विभक्ति होती है, इसलिए सर्वेषु शयानेषु सा पठति सही रूप है। राजपुरुषो राजमार्गे धावतो अश्वात् अपतत्, अत्र धावतः विशेषणम् अस्ति, धावता विशेषण अश्व का है, क्योंकि दौड़ कौन रहा है? अश्व। आगे देखो, राम शब्दस्य रूपेषु रामाभ्याम इति रूपस्य आवृत्ति कति वारं भवति, 3 बार रामाभ्याम रूप की आवृत्ति होती है, तृतीया द्विवचन में, चतुर्थी द्विवचन में, पंचमी द्विवचन में। कवि शब्दस्य सप्तमी एकवचने रूपं भवति, कवि शब्द के सप्तमी एक वचन में रूप होता है कवौ। लता शब्दस्य रूपेषु लते इति रूपस्य आवृत्ति कति वारं भवति, तो लते की आवृत्ति होती है 4 बार प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में, संबोधन में एक वचन और द्विवचन में 4 बार लते शब्द की आवृत्ति होती है। नदी इति रूपमस्ति, नदी इति रूपमस्ति, नदी रूप द्वितीया बहुवचन का है। पित्री शब्दस्य सप्तमी एक वचने रूपम भवति, पितरी पित्रो पितृषु यह ऐसे रूप चलते हैं, तो पितरी सप्तमी एक वचन का रूप है। आत्मन शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपम भवति, आत्मनाम सही है, आत्मनः आत्मनो आत्मनाम, इस प्रकार षष्ठी बहुवचन का रूप आत्मनाम है। बारी शब्दस्य सप्तमी एक वचने रूपम भवति, बारिणी, सी आंसर सही हो जाएगा, बारिणी बारिणो बारिशु, इस प्रकार रूप चलते हैं सप्तमी विभक्ति में। अस्मद शब्देषु रूपेषु, अस्मद शब्दस्य रूपेषु नः इति रूपस्य आवृत्ति कति वारं भवति, तो न इस रूप की आवृत्ति 3 बार होती है, मा नौ नः द्वितीया में, चतुर्थी में मे नौ नः, षष्ठी में मे नौ नः, तो न की आवृत्ति 3 बार होती है। उपगंगम अस्मिन् पदे समासोस्ति, यहाँ पर अव्यय भाव समास है, गंगायाः समीपम इति विग्रह। काशी प्रयागम अस्मिन् पदे समासोस्ति, यहाँ पर द्वंद्व समास है, और वो भी समाहार द्वंद्व समास, काशी च प्रयागम चेति, समाहार द्वंद्व समास यहाँ पर हुआ है। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः समासा भवति, तो तत्पुरुष समास होता है उत्तर पद प्रधान। पंचवटी अस्मिन् पदे समासोस्ति, यहाँ पर द्विगु समास है, पंचानाम बटानाम समाहारः, इस प्रकार यह विग्रह है। आचार कुशलः अस्मिन् पदे समासोस्ति,
आचार्यण कुशला तृतीया तत्पुरुष समास यहाँ पर है। धात्रंसा अस्मिन पदे संधि अस्ति, धात्री प्लस अंसा यण संधि है, री का रा हो रहा है। प्रार्थति अत्र संधि अस्ति, प्रार्थति में वृद्धि संधि है, प्रा प्लस रिच्छति उपसर्गात द्रुति धातु सूत्र से वृद्धि संधि यहाँ पर हुई है। कान प्लस कान अत्र संधि भविष्यति, यहाँ पर कांस कान होगा, ए रूप सही है, कांस कान। इस प्रकार दोस्तों ये संविदा साला शिक्षक वर्ग एक संस्कृत का पेपर हुआ। दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें ताकि अगले वीडियोस आपको मिल सकें। नमस्कार दोस्तों।